मगर भाभी पिंगला। अरे विक्रम तू? हाँ भाभी मैं। हाँ बोल। न्यू बता, मैं तेरे महल के नीचे से निकल के जा रहा था। हाँ। परंतु तेरे महल के अंदर तो कोई मर्दानी आवाज आवे थी। आजकल तेरे कान ज्यादा बजने लग गए हैं। और पहले ये बता कि ये स्कूल की छुट्टी का समय तो नहीं है? मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, गुरुकुल में पढ़ता हूँ। जहाँ भी तू पढ़ता है। हाँ। अपनी अपनी भाषा का फर्क है, तू गुरुकुल कहता है, मैं स्कूल कहती हूँ। अच्छा, आज तुझे ज्ञान होना चाहिए गुरुकुल की छुट्टी है क्योंकि देशोरी का आज हो रहा है। अरे रे 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 रे, मैं तेरे महल के नीचे से निकल के जा रहा था देशोरी का आज में, परंतु तू तो बताने में भी हिचकिचावे। न्यू बता, भाई तो राज दरबार में है तो फिर महल के अंदर मर्दानी आवाज किसकी है? महल के अंदर ना तो कोई मर्द है और ना ही कोई मर्दानी आवाज तुझे सुनाई दे रही है, वो अलग बात है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो महल के अंदर मर्द नहीं था तो फिर कौन था? मैं थी, मेरी बांदी थी। कौन सी बांदी थी? दोनों थी और अब भी है, तू देख ले आँख खोल के। तो क्या ये बांदी मर्दानी आवाज जानती है निकालना? ये सब कुछ जानती है, बिल्कुल सब कुछ। मैंने किवाड़ की दराज में कैसे सब कुछ देखा है? है? क्या मर्दानी आवाज ही नहीं थी, वो मर्द भी था। मतलब तूने, और जिसके साथ तू हाँ कुछ कर रही थी। बस आज तो ऐसा शब्द अपने मुंह से निकाल दिया, आज के बाद निकाला तेरी जुबान खींच लूंगी। छोटा है, छोटा बन के रहा है, समझ में तेरे? अच्छा, और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे कक्ष में ताका झांकी करने की? बीड़ी बंद कर दे, बहुत पीली बीड़ी बंद कर दे। मतलब हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम तुम्हारे महल में आ जाएं, तुम्हारे कक्ष में आ जाएं? आ जाए, इतनी हिम्मत तो है और इतना अधिकार भी है। तेरे कक्ष के अंदर गैर पुरुष तो आ सकता है पर हम नहीं आ सकते। जैसा तू खुद है वैसा तू सबको समझता है। मैं अपनी जगह बिल्कुल पाक साफ हूँ और झूठा दोष लगाने की कोशिश मत कर विक्रम। लड़ाई को जितना बढ़ाएगी ये बढ़ती चली जाएगी, जितना घटा। लड़ाई को मैं नहीं, तू बढ़ा रहा है। नहीं, लड़ाई बढ़ाने का काम तेरा है, तूने शुरुआत कर दी है, इसका अंजाम क्या निकलेगा ये तो परमात्मा जानता है। देख, तू मेरी आदत से भी वाकिफ नहीं है। आग तूने जलाई है उस पर घी मैं डालूंगी, लड़ाई में बुझेगी नहीं जो तूने दोष लगाया है। अरे किसने घर में लेरी भाभी? सारे खिलावे से पिंगला का
तोरा पर हम बंदा जिन मतलब चंदाण मने तू तू कर तेरे मन में खोप जड़े तू ही तो पार लखारे से तेरा जवान मार जड़े तू ही तो दोष लगावे से तेरा जवान मार जड़े तू ही तो दोष लगावे से हाँ बोल। बड़े आसानी से कह दिया तेरे मन में खोट जड़े। मेरे मन में खोट है मतलब मैं गलत हूँ? मैं 12-14 साल का बालक। अजी और क्या, तू तो अभी दूध पी रहा है? हाँ दूध पीता हूँ अभी। हाँ दिख रहा है, माँ नहीं रही तो क्या हो गया, गौ माता का दूध पीता हूँ। माँ पता नहीं किस किस की नहीं रहती, क्या इमोशनल ब्लैकमेल कराए कह के? पता नहीं कितनों की माँ चली जाती है दुनिया छोड़ के, कितनों के पिता चले जाते। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो संस्कारों से भरपूर होता, तो जितना गुण तेरे अंदर भले बड़े सब जानते। लेकिन अब गुण तो आज मैंने तेरे अंदर बहुत ढेर सारे देख लिए। तो तेरे देखने से हो क्या रहा है? और मैंने अंदाजा लगा लिया तू किसने घर में ले रही है। किसने ले रही है? अरे घर में आशिक। अब क्या कर लिया तू ऐसे करके? बहुत कुछ हो गया, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। तो डूब जा। मैं नहीं डूबूंगा, डूबेगी तू। तू तने डूबूंगा तुम्हें। इन हाथों का ऐसे मत चला मेरे ऊपर, तू अभी जानता नहीं मेरे गुस्से को। बड़ा गरम खाली है, पहले से ही गरम ही खाया है। और घर में आशिक। हाँ थोड़ा सारे गरम हो जा बिल्कुल। अरे घर में आशिक रखे से तू भाभी किसी लुगाई, मुँह में घेर लगाम जड़े मने कर ली बहुत सफाई। अरे खुद ब्याहे ते तगा करे, ओ खुद ब्याहे ते तगा करे, जरा शर्म नहीं आई। सिर में मारू लठ अरे कोण खाने दाने की इज्जत ने। हाँ खानदान की इज्जत ने। हाँ खानदान की इज्जत ने। मंदिर रेते बीच रावे से जान रही तेरी बदमाशी, मन कहूँ बनानी रावे से जाना जाई माने जड़े तू ठुसा दोष लगावे से। तेरी बदमाशी मन ने बहू बनानी चाह वैसे, शर्म कर ले, शर्म कर ले, परमात्मा का डर ले, ऊपर वाले पे डर ले, तेरा सत्यानाश चला जाएगा। मैं किसी से नहीं डर रही हूँ, डर ले तू।
क्रिया के जाल से। इधर घर में तकरार देवर भाभी का ये ऐसा मन मुटावी ठीक नहीं रहते। बता तू मेरा बहुत लाडला देवर है, लाड लड़ा रही हूँ। छोटा है ना, छोटा देवर बेटे के बराबर होता है। क्या खाएगा? जलेबी, लड्डू, बहुत चीज बनवा रखी है मैंने यहाँ पर। मैंने तो जो तेरी करतूत देखी है ना, हाँ, या तो उस गैर पुरुष का नाम बता, ना तो भाई भरतरी ते जाकर दरबार में बताऊंगा। अच्छा मत बताइयो, जो देखा जो सुना उसे अनसुना अनदेखा कर दे। नहीं, उस आदमी का नाम बता, अपने हाथ पे मारूंगा, उसे खत्म करूंगा सारे को। अच्छा उस आदमी का नाम बता, बात को यही कहीं दबा दूंगा, और अगर तू नाम नहीं बताएगी तो छुपाने की कोशिश करेगी तो भरे तो? क्या क्या करेगा, क्या करेगा बता, क्या करेगा? ऐसा भी इधर गिरूं तो कुवार, इधर गिरूं तो खाई, जान आफत में आई। और जब ये करूंगा अक तेरी सारी करतूत राज दरबार में सबके सामी भाई भरतरी को जाकर के बताऊंगा। वैसे तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुझे, लेकिन अगर तू नहीं समझ रहा और बताना चाहता तो जा बता दे अपने भाई भरतरी को, भूत भरतरी को, और जाके तू कुछ भी करवा ले, वो भरतरी ऐसा करेगा जैसा पिंगला कहेगी। भरतरी चमचा है मेरा, चमचा, ये बात दिमाग में रख ले, पिंगला के प्यार में पागल है भरतरी। अगर पिंगला कहे कि ये दिन नहीं रात है तो वो भी दिन को रात बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, वो मेरा बड़ा भाई है। अगर तुम मरना नहीं चाहता है तो इस बात को दबा ले, बुझा ले, फायदे में रहेगा, वरना ऐसा कर दूंगी कि तुम्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा। उल्टा शरम जरा सी यू समझाओ तने कदे हो जा हो सी में फांसी हो। महल बीच में कौन छुपा लिया, महल बीच में कौन छुपा लिया, दे दे मने तलाशी। भूत भरतरी मेरे कहे का तद कड़वा तेरी बांसी हो। सरस्वती की कृपा से मर्द देवर पति हारे से
खिलावे से।